स्कूल शिक्षा विभाग में सिविलियन पूर्व पश्चात स्थानांतरित समस्त शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति हेतु वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रथम नियुक्ति वर्ष से किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के बैनर तले मंगलवार को दुर्ग में संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन में शिक्षकों ने एक दिवसीय प्रदर्शन कर अपनी चार सूत्री मांग को लेकर आवाज बुलंद की। साथ ही कहा कि स्थानांतरित शिक्षकों द्वारा पदोन्नति में वरिष्ठता की मांग पूर्णतः वित्तीय भार मुक्त है, जिसकी पूर्ति से शासन के ऊपर किसी तरह की आर्थिक भार नहीं पड़ेगी बल्कि आर्थिक बचत होगी, क्योंकि वरिष्ठ शिक्षकों का वेतनमान सामान्यतः कनिष्ठ शिक्षकों से ज्यादा है। गलत वरिष्ठता निर्धारण से प्रदेश के लगभग 25,000 से अधिक स्थानांतरित शिक्षक संवर्ग के शिक्षक प्रभावित हैं। स्थानांतरित शिक्षकों को पदोन्नति में नियुक्ति वर्ष से वरिष्ठता देना वरिष्ठ शिक्षकों के आत्मसम्मान देना है, जिससे शासन की छवि पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। बता दें कि ये सभी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 12 जून को बिलासपुर से संभाग स्तरीय प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, जो कि 15 जून को सरगुजा संभाग में प्रदर्शन समाप्ति के बाद मांगे नहीं सुनी जाने पर आगामी दिनों में DPI रायपुर का घेराव करने की चेतावनी दी। हम लोग शिक्षक संवर्ग से आते हैं और आज हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या सर इस शिक्षा विभाग में जो पदोन्नति प्रक्रिया जारी है, जिसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, और अन्याय ये हुआ है कि हम वरिष्ठ होते हुए भी आज पिछड़े हुए हैं सर। कारण इसका सिर्फ ये है कि हम में से बहुत सारे शिक्षक जो कि पंचायत सेवा के दौरान जो शासन के नियमानुसार ही हमने स्थानांतरण का लाभ लिया था, और आज जब वरिष्ठता की गणना शिक्षा विभाग में की जा रही है तो वरिष्ठता की गणना हमारे जब पंचायत विभाग में हमने जो ट्रांसफ़र लिया था उस तिथि से कर रहे हैं, जो जिसके कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में राज्य में लगभग 25,000 से अधिक की संख्या में हमारे शिक्षक साथी प्रभावित हो गए हैं सर जी। जी हमारी मांग यही है सर जी कि हम नियुक्ति हमारी पहले हुई है और नियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठता की गणना एक वरिष्ठता क्रम में ही होनी चाहिए, और जैसे कि जो पहले आया है तो पहले जो आया है वही वरिष्ठ है। तो हमारी मांग यही है कि जितने भी हम वरिष्ठ शिक्षक हैं, चाहे स्थानांतरण हमने लिया हो ना लिया हो, लेकिन वरिष्ठ हैं तो वरिष्ठता का लाभ हमको मिलना चाहिए। और जो हम शासन के नियम हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम हैं कि यदि कोई ट्रांसफ़र का लाभ लेता है तो उसको उस नियुक्ति वर्ष के अंत में अर्थात बैज वाटा में उसको रखनी चाहिए। ये हमारी मांग है सर जी कि हमको सबको नियुक्ति वर्ष के अंत में बैज वाटा में रखा जाए। इतना हमारी स्थानांतरण को लेकर है सर, जिस दिन से हम स्थानांतरण करवाए हैं, जब स्थानांतरण करवाए तो काफ़ी जब हम स्थानांतरण करवाए तब हम लोग को पता भी नहीं था कि हमारी वरिष्ठता इस तरह से प्रभावित की जाएगी, क्योंकि एक जो नियम है सामान्य प्रशासन विभाग का नियम, उसके अंतर्गत हमको बैज बॉटम में रखना चाहिए था, मतलब हमारी नियुक्ति जिस वर्ष में हुई है उस वर्ष के अंत में रखना चाहिए था। लेकिन हमारे ट्रांसफ़र कराने के कारण अब पंचायत विभाग का जो नियम है उस नियम के अनुसार हमको कार्यभार तिथि से वरिष्ठता की गणना की जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। जबकि पंचायत विभाग में भी सामान्य प्रशासन विभाग के नियम का पालन करने के लिए कहा गया है, और शिक्षा विभाग में तो ये शुरू से है कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का पालन किया जाए। सर अभी तो हमारी संभागीय स्तरीय ये चल रही है, इसके बाद भी अगर हमारी बातों को अनसुना किया जाता है तो हम भी DPI घेराव सड़क की लड़ाई के लिए हम भी तैयार रहेंगे सर। रैनी सी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।